प्यारे बच्चों, मैं ज्योति SDS विद्यापीठ से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4। आइए देखते हैं अध्याय 4 में क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 4 भारत के राज्य। अध्याय 4 क्या है? भारत के राज्य। भारत एक विशाल देश है। भारत, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आप लोगों को, भारत एक विशाल देश है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य नगर होता है। जिसे उस राज्य की राजधानी कहते हैं। हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये तो सबको पता होगा, हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यह एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नगर है। देश के कुछ भागों की देखभाल केंद्र सरकार स्वयं करती है। ऐसे भाग केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। जिस देश की देखभाल केंद्र सरकार करती है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को राज्यपाल कहते हैं। इतने विशाल देश में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। केंद्र के समान ही प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है। राज्य की शासन व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन होती है। हर प्रदेश की अपनी अलग राजधानी होती है, जिसमें राज्य सरकार के सभी प्रमुख सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों के आवास कार्यालय होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनकी भी राजधानी होती है। चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो दो राज्यों पंजाब और हरियाणा और स्वयं अपनी राजधानी है जो दो राज्यों पंजाब और हरियाणा और स्वयं अपनी राजधानी है ये दोनों स्वयं अपनी ही राजधानी है। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियों का विवरण आगे दिया जा रहा है। आइए देखते हैं भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियाँ। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। आसाम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। चौथा है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। पाँचवा है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। छठवां है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। सातवां है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल। आठवां है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग। नौवां है बिहार। बिहार की राजधानी पटना। दसवां है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। ग्यारहवां है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। बारहवां है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। तेरहवां है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। चौदहवां है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। पंद्रह है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। सोलहवां है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। सत्रहवां है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अठारहवां है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है।
19वां है गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 20वां है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 20वां है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 22वां है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। 23वां है गोवा, गोवा की राजधानी पणजी है। 24वां है केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। 25वां है तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 25वां तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 26वां पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। 27वां सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 28वां छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 28वां है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 29वां है तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आइए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दूसरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। तीसरा है दादरा नगर, दादरा और नगर हवेली का राजधानी सिलवासा है। चौथा है दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। पांचवा क्या है? दमन और दीव, दमन और दीव की राजधानी दमन है। छठा है पांडुचेरी, पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है। सातवा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती। प्यारे बच्चों, आप लोग इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे और नेक्स्ट अध्याय अगले वीडियो में। धन्यवाद।